खाता में जो पैसा आ गया अब कहीं नहीं जाएगा। इसे बचा जा सकता है, परहेज ही इसकी सबसे बड़ी दवा है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजेश। देश भर में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा है, लोग परेशान हैं, फैलते जा रहा है या इसका वायरस काफ़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। अभी हम लखीसराय और जमुई मुख्य सड़क पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक SBI का ग्राहक सेवा केंद्र है, आप देख सकते हैं यहाँ पर की स्थिति क्या है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ यहाँ पर उड़ती दिख रही है, लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो सरकार ने निर्देश जारी किए हैं सोशल डिस्टेंस को लेकर, उसमें वो कितना ज़रूरी है। यह भी ज़रूरी है कि लोग खुद जागरूक होएं। सरकार तो काफ़ी कुछ कह रही है, बहुत निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर स्थिति थोड़ी भयावह है। लोगों को समझना होगा, इस चीज़ को खुद समझना होगा कि जो सोशल डिस्टेंस है ये कोरोना वायरस में वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। सोशल डिस्टेंस से ही इससे बचा जा सकता है, परहेज ही इसकी सबसे बड़ी दवा है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर जो ग्राहक सेवा केंद्र के CSP संचालक हैं उनसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार निराला हुआ। संचालक हैं आप जी? तो ये यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर काम चल रहा है आपके, यहाँ पर लोग भीड़ लगी हुई है, तो थोड़ा इसके लिए भी तो देखना पड़ेगा ना कि सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन हो। सबसे बड़ा चीज़ यही बताया जा रहा है, मोदी जी आह्वान कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री आह्वान कर रहे हैं, सब लोग इसके बारे में बोल रहे हैं, तो ये तो अच्छा चीज़ नहीं है ना। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा इनको भी आखिर कौन बताएगा। नहीं, हम लोग तो समझा रहे हैं सर, और सबको बोल रहे हैं इन लोग को कि खाता में जो पैसा आ गया वो कहीं नहीं जाएगा, आप लोग बारी बारी से आ करके पैसा लीजिए, हम देंगे पैसा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन परेशानी यह है कि ये लोग कितनों समझाने के बाद सब फिर घर जाते हैं, फिर दौड़ के चले आते हैं कि हमारा पैसा खाता से चला जाएगा। तो हम लोग ना ऐसा सजेशन दिए कहीं नहीं जाएगा, जिसके खाता में पैसा आ गया 6 महीना बाद भी निकालोगे तो निकलेगा नहीं। अमूमन देखा जा रहा है ना कि कहीं पर बैंक में या भीड़ भाड़ वाले जो जगह हैं वहाँ पर चिन्ह बना दिया जाता है, गोल गोल घेरा लगा दिया जाता है कि लोग इतना इतना डिस्टेंस कवर करें, तो उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ इसी लेकर के थोड़ा सा कभी छाया जहाँ वृक्ष है ना, इसी लेकर के थोड़ा सा हम लोग को भाई मतलब ये परेशानी लेकर के उसको कर दिया जाएगा ना, तो अच्छा रहेगा इनके लिए भी, आपके लिए भी और देश के लिए भी। ये धूप के लेकर के हम लोग छाया में थोड़ा कहते हैं जिस जगह गाछ है उस जगह जाकर बैठो, हम ये बताए हैं सभी लोग को। चलिए ठीक है, इसका व्यवस्था थोड़ा सा कराइए तो अच्छा रहेगा इनके लिए भी, ठीक है ना। ये देख लेते हैं, और ये आप जरा सा बताइए तो यहाँ पर आप लोग को पता है ना कि दूर दूर खड़ा होना है, बैंक में आप आए हैं पैसा लेने के लिए, तो थोड़ा सा आपको भी देखना पड़ेगा है ना। आप अभी घर जाएंगे यहाँ से दिखाई तो नहीं देता है कि कौन सा बीमारी है क्या उसमें है, दिखाई नहीं पड़ता है, तो उससे बचना आपको खुद बचना है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर जो भीड़ ऐसा है, भीड़ नहीं लगाना है सबको, अपना खुद से समझिए। क्या यहाँ पर कुछ कैसा लग रहा है आपको, भीड़ में आपको लग रहा है कि इससे फैलेगा बीमारी कि ठीक हो जाएगा? तुम लोग बाबू यहाँ पर क्या कर रहे हो? बैंक खाता देखने आ गए हो? हाँ, तो यहाँ पर तो छोटा तुम लोग बच्चा है ना, तुम लोग को तो घर में रहना चाहिए, तो पापा माँ आएंगे ना? मम्मी साथ आई। मम्मी के साथ आए तो दूर दूर रहना चाहिए ना, दूर दूर रहना चाहिए। खाता में जो पैसा आ गया अब कहीं नहीं जाएगा। इससे बचा जा सकता है, परहेज ही इसकी सबसे बड़ी दवा है।